दोस्तों, मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है, उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देख रहे थे स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपको बताएंगे सुकम सार्क इन्वर्टर के बारे में और उसकी सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे कि कौन सा कंपोनेंट फॉल्ट होने पर आपका सेट डेट हो जाएगा। ये जो पीसीबी बोर्ड देख रहे हैं, अगर इसमें सेट डेट का प्रॉब्लम आए तो कौन कौन सा कंपोनेंट आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डायग्राम की तरफ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम है। तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम आपको सर्किट में ले जाएंगे, वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से हम लोग रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका नेगेटिव सप्लाई और यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव सप्लाई। तो नेगेटिव सप्लाई में आपको डीसी फ्यूज देखने को मिलेंगे और इसके थ्रू जो है कि नेगेटिव सप्लाई सर्किट बोर्ड में जाती है। अगर ये डीसी फ्यूज फॉल्टी हो जाएगी तो आपको आपका जो है नेगेटिव सप्लाई सर्किट बोर्ड में जाएगा नहीं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और सेट डेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ये चेक कर लेना है कहीं डीसी फ्यूज तो ओपन तो नहीं है, और उसके बाद में डीसी फ्यूज ओके है तो कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है 4700 माइक्रोफैराड की, अगर ये भी शॉर्ट होने पर बार बार फ्यूज जाएगा तो आपको यहाँ पे ये कन्फर्म कर लेनी है। और आगे हम लोग चलेंगे, 12 वोल्ट आपको चेक करना है यहाँ पे ग्राउंड से नेगेटिव से, और 12 वोल्ट यहाँ मिल जा रहा है तो ठीक है। अगर आगे जाएंगे हम लोग डायोड के उस साइड में, डायोड के साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आपको देखने को लगभग मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 11.30 वोल्ट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, मेजरमेंट किए हैं हम लोग मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे वोल्टेज देखने को मिलेंगे, नहीं मिल रहा है तो आपको ये डायोड ओपन के लिए चेक करना हो सकता है, ये डायोड खराब हो। और डायोड सही होने के बाद यहाँ वोल्टेज आपको मिल जाएगा, और वोल्टेज मिलने के बाद में आपको रेगुलेटर आईसी की तरफ चलना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रेगुलेटर आईसी है, और यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं मिला तो आपकी कैपेसिटर भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैपेसिटर शॉर्ट हो, इस वजह से ये डायोड शॉर्ट हो जाता हो, ये भी आपको देख लेना है। C10 है, 100 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट का ये। और आगे चलेंगे, यहाँ पे रेगुलेटर आईसी है, इसमें 12 वोल्ट इनपुट होगी तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो 7805 है ये 5 वोल्ट रेगुलेटर आईसी होता है, यहाँ पे 12 वोल्ट रेंज से 12 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर 8 वोल्ट है तो 8 वोल्ट देखने को मिलेगा, उस हिसाब से ये बनाया जाता है आईसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे, 5 वोल्ट आपको मिल जाएगा तो ये आपका जो है कि ओके है, नहीं मिल रहा है तो आपको रेगुलेटर आईसी चेक करना है। और इसके इसमें जो है कि आपका हो सकता है ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक PF लगा हुआ है, ठीक है, छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है, SMD है 104 का, इसको भी आपको चेक कर लेना, ये भी शॉर्ट होने पर आपको ये बार बार रेगुलेटर आईसी शॉर्ट होता रहेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद लेंगे माइक्रो आईसी के पिन नंबर 20 पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 20 इसकी VCC सप्लाई है, तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे। और पिन नंबर 19 जो है ये है ग्राउंड है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई रहेगी, तो इसको भी आपको कंफर्म कर लेनी है कि नेगेटिव सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके आगे चलेंगे हम दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये सेक्शन की फॉल्ट होती है डेड में, और भी आपका 3 सेक्शन है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। दूसरा जो है रिसेट सप्लाई, आईसी के पिन नंबर 1 में रिसेट सप्लाई आने पर ही ये सिस्टम ऑन होगा। तो ये कहाँ से आया हुआ हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सप्लाई आती है सर्किट से, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये 5 वोल्ट आएगी, और यहाँ पे R2822 के रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट होगा, तो आपको ये यहाँ पर 5 वोल्ट ना मिले तो इसको ओपन के लिए चेक कीजिएगा रेजिस्टेंस को। और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है 4148, ये भी आप चेक लीजिएगा कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है या फिर ओपन तो नहीं है, इसको भी चेक कर सकते हैं। और ये बार बार अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो जा रही है, फॉल्टी हो जा रही है, तो आपको यहाँ पे ये कैपेसिटर भी चेक करना, कैपेसिटर खराब होने पर भी ऐसा होता है। C16 है ये, 2.2 माइक्रोफैराड है, 50 वोल्ट में है ये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 वोल्ट आपका 470 ओम्स की रेजिस्टेंस के थ्रू ये 5 वोल्ट सप्लाई जाएगी आईसी में, तो आपको ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लेना है कहीं रेजिस्टेंस ओपन तो नहीं है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ओपन रेजिस्टेंस भी ओके है फिर भी सप्लाई नहीं जा रही, तो माइक्रो आईसी आपको चेक कर लेनी है, माइक्रो आईसी शॉर्ट होने से भी ये 5 वोल्ट ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा सेक्शन में समझ लिए, अब तीसरा में चलते हैं। तीसरा में दोस्तों क्या है, इसमें ये क्रिस्टल से सप्लाई है, ये आईसी की धड़कन होती है, तो यहाँ पे भी ये अगर खराब होगी क्रिस्टल
तो आपका ये सिस्टम ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्रिस्टल भी आपको चेक कर लेनी है। क्रिस्टल दोस्तों चेक कैसे करना है, इसको बदले करके ही आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्रिस्टल बदलने के बाद भी अगर ओके नहीं हो रहा है तो यहाँ पे C1, C2, 22 PF है, इसको आपको चेक कर लेनी है, ठीक है, या फिर बदल के आपको यहाँ पे देख लेना है। तो ये सिस्टम आपका, ये जो इन्वर्टर है सेडेट की प्रॉब्लम ओके हो जाएगी, कंपोनेंट है सबको आपको चेक कर लेनी है। अब दोस्तों हम सर्किट में चलेंगे, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डीसी फ्यूज होता है, ओपन होने पर ये सप्लाई जाएगी नहीं बोर्ड में, तो इसको चेक कर लीजिएगा डीसी फ्यूज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में डीसी फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो आपको यहाँ पे कैपेसिटर को चेक करना है, कैपेसिटर भी शॉर्ट होने पर डीसी फ्यूज बार बार जाएगी, या फिर मॉस्फेट भी जाने पर, जहाँ मॉस्फेट देख सकते हैं मॉस्फेट खराब होने पर भी आपका डीसी फ्यूज बार बार चली जाएगी, तो मॉस्फेट को भी आपको चेक कर लेना है। और ये 12 वोल्ट जो सप्लाई जा रही है सर्किट बोर्ड में, तो यहाँ पे 12 वोल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको 11.30 वोल्ट देखने को मिलेंगे, और ये वोल्टेज मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिले पर आपको ये डायोड को आपको चेक कर लेनी है। उसके आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे रेगुलेटर IC देख सकते हैं, ये है रेगुलेटर IC 7805, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट देखने को मिलेंगे। अगर 12 वोल्ट नहीं मिले देखने को तो आपको जो कि ये ओपन के लिए चेक करना है, या फिर हो सकता है ये आपका रेगुलेटर IC खराब हो, इसको आपको बदल के देख लेना है। बदलने के बाद में सिस्टम ओके हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे PF लगा है देख सकते हैं, ये भी शॉर्ट हो सकता है। यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये भी शॉर्ट होने पर आपको ये सेट डेट को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो अब आगे चलेंगे, अगर 5 वोल्ट यहाँ पे आ जा रहा है तो ठीक है, छोटो मैग्वासी को आप चेक कर लीजिएगा। तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग रीसेट जो है पिन नंबर 1 होता है IC की, पिन नंबर 1 पे जो है कि यहाँ पे 470 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जो सप्लाई जाती है, यहाँ पे 22 के रेजिस्टेंस सप्लाई जाती है, तो इसको भी आपको चेक कर लेनी है। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल को आपको चेक कर लेना है। क्रिस्टल भी खराब होने पर आपका सेट डेट हो जाएगा। यहाँ पे दो PF लगे हुए हैं, PF खराब होने पर भी आपका जो है सेट डेट हो जाएगा, तो आपको उसको ध्यान देना है। अभी दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट अगर ओके नहीं हो रहा तो उसमें जो है कि दो IC और भी है जिसमें 5 वोल्ट जाती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। 5 वोल्ट बार बार शॉर्ट होने पर आप IC की जो है कि IC ओपन करके आप जो कि रेगुलर IC लगाइएगा 358, इसको भी आप वापस लगा दीजिएगा। और यहाँ पे AD555 है जो कि चार्जिंग के लिए बनाया गया है, इसको भी आपको देख के यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों हम लोग जो वीडियो बनाते हैं बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप लोग आए हैं मेरे चैनल पर जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।